जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर मैथ के लिए कोई रणनीति बता दीजिए कि हम मैथ की तैयारी को कैसे इम्प्रूव करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैथ की तैयारी आप कैसे करें, कैसे बेहतर स्कोर आप कर सकते हैं मैथ में, जितने भी क्वेश्चंस मैथ के वहां पर पूछे जाते हैं। क्योंकि आपने अगर प्रीवियस ईयर देखा है या फिर इसके पहले अगर आपने पुलिस का कोई भी एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि हाँ, मैथ और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन आते हैं और जिसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि वो मैथ के हैं या रीजनिंग के हैं। तो हमें कह सकते हैं कि मैथ के क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इन दोनों को लेकर के चलना है, मैथ और रीजनिंग को। अगर आपका एक चीज स्ट्रांग है तो श्योर है दूसरी चीजें स्ट्रांग हो जाती हैं, ये दोनों कंबाइंडली चलती हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको रीजनिंग अच्छी करनी है तो उसके लिए आपको मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह हो जाती है कि मैथ अगर किसी बच्चे का वीक है, यानी कि अगर उसने 10th में मैथ नहीं पढ़ा, 12th में उसका मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो यहां की जो मैथ है वो जब सीखेगा तो उसको थोड़ी सी समस्याएं होंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। अब बात यह है कि आपने इसके पहले, यानी अभी जो वैकेंसी आने वाली है, अगर आप इसी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके पहले क्या कभी आपने तैयारी करी है या नहीं करी है? अगर आपने इसके पहले कभी भी तैयारी करी है तो आपको नॉलेज हो गया होगा कैसे पढ़ना है, आपके पास प्रॉब्लम्स आई होंगी, आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया होगा, सीखा होगा, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में आया हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं और आपका बैकग्राउंड भी मैथ से नहीं रहा है, मैथ से आपको डर लग रहा था पहले से, तो आपको यहां पर सीखने में भी डर लगेगा और शायद मुझे उम्मीद है आपने इसके पहले कभी नहीं पढ़ा, इसलिए शायद आपको अभी यहां पर दिक्कत हो रही है। तो उस चीज को हम लोग कैसे इंप्रूव करेंगे, इसके बारे में आज हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में अंत तक, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि और सभी बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, जो मैथ सीखना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं सीख पा रहे हैं, शायद उनके पास एक अच्छी रणनीति नहीं है या फिर कैसे पढ़ना है मैथ को शायद उनको नहीं पता है, तो उनकी भी मैथ अच्छी हो सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि हम अपनी मैथ को कैसे इंप्रूव करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपको तैयारी कैसे करनी है, उसमें मैंने इन सभी सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया था, मैंने अपना तरीका भी बताया था कि मैंने कैसे पढ़ाई करी है। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, मैंने कैसे पढ़ाई करी है वो मेरा मैटर है, आपकी क्या कमजोरी है वो आपको पता है। तो सबसे पहले तो आप अपनी वीकनेस को पहचानो कि क्या है। अगर आपको मैथ समझ में आती है, इंटरेस्ट है आपका, तो आप उसको सीख जाओगे। प्रॉब्लम्स है, ठीक है, नहीं पढ़े हो, कठिन लग रहा है, लगती हैं चीजें पहली बार जब कोई करता है, लेकिन आप सीख जाओगे, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको मैथ से डर लगता है, ठीक है, आपने इसके पहले कभी नहीं पढ़ा, क्वेश्चन आते हैं आपके सामने तो आपका दिमाग हैंग सा हो जाता है, तो यहां पर आपको सीखने में प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन बात यहां पर यह है कि मैथ को बिना सीखे आप यूपीपी कांस्टेबल या फिर एसआई को क्लियर भी नहीं कर सकते, सीखना पड़ेगा। फिर कैसे सीखेंगे सर? मेहनत करनी पड़ेगी। एक ही चीज है, कोई भी सब्जेक्ट हो उसको सीखने का एक ही जरिया है और वो है मेहनत। हाँ ठीक है, मेहनत के लिए ये देखा जाता है कि हम कैसी मेहनत करें। बहुत सारे बच्चे किताब को लेकर के 10 घंटे बैठे रहेंगे तो उससे नहीं आएगा। एक बेहतर तरीका होना चाहिए मैथ को पढ़ने का, तो मैंने आपको बताया था मैथ के लिए आप पहले यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं उनसे आप पढ़ो। कोर्स के लिए मैंने पहले मना किया था कि हाँ कोर्स आप तब तक मत खरीदो क्योंकि कोर्स पे आपको एक टीचर मिल जाएगा, वही पढ़ाएगा, आपको नहीं समझ में आएगा फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं क्योंकि आप बिल्कुल नए हो, आपको कुछ नहीं आता है, तो जो भी आपको बढ़िया पढ़ाए, जिसका कंटेंट आपको लगे कि हाँ ये मुझे समझा पा रहा है, बस इतना ही अच्छा है। हाँ वो टीचर अच्छा होना चाहिए, उसने कभी सिलेक्शन दिए हो, ऐसा नहीं कि कोई भी पढ़ा रहा हो और आप पढ़ते चले जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसने कभी सिलेक्शन दिया हो और उसका पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आ रहा है तो पहले आप उसे पढ़ो, पढ़ लो, उसके नोट्स बनाओ, बुक्स लो। बहुत हाई लेवल की बुक्स आपको नहीं लेनी है कि हाँ हमने सीजीएल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत ही सिंपल सी बुक लो जिसमें आपने जो भी पढ़ा है अगर उसी टॉपिक के क्वेश्चंस वहां पर उसी लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप वहां से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। आप सभी ये बात जानते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, शायद ये कोई नई चीज नहीं है कि अगर आपको कुछ भी करना है, कोई भी सब्जेक्ट सीखना है, वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर कोई काम हो, आपको एक ही चीज से वो चीज आ सकती है और वो है मेहनत। मेहनत के अलावा बाकी और कोई तरीका नहीं है जिससे आप उस चीज को सीख सकते हैं। मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, मैथ तभी आएगी जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो वहां से पढ़ो, उस टॉपिक पे कोई भी टॉपिक ले लो, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ट्रेन्स हो गए, पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, ये जितने भी हैं, मतलब और भी बहुत सारे, ऐसा नहीं इतने ही हैं, कोई भी टॉपिक ले लो, अगर आपने उसको पढ़ा, उनके जितने भी क्वेश्चंस आपके पास होते हैं उनको प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर लगाने की अभी आपको जरूरत नहीं है, जब तक आप सीख नहीं जाते हो आप प्रैक्टिस करो। पहली बार लगाओगे आप 50 क्वेश्चन है, हो सकता है 10 लगेंगे, दूसरी बार लगाओगे तो 15 लग जाएंगे, ठीक है, तीसरी बार लगाओगे तो 20 लग जाएंगे, आप 10 बार लगा लो। और मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि 10 किताबें कभी मत खरीदना, एक किताब को खरीद लेना, 10
10 बार प्रैक्टिस कर देना। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदा आपको रहेगा। और एक दिन आप कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे कि हाँ सर आपने कहा था कि प्रैक्टिस खूब ज्यादा करना, मैंने सर प्रैक्टिस करी, मेहनत करी और आज मैथ मेरी अच्छी हो गई है। मैं मानता हूं मान लो मैथ के 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, वहां पर 30 में से जो अच्छा लड़का होगा वो 25 मार देगा। मानता हूं कि आपका मैथ थोड़ा सा वीक है तो आप 25 नहीं मार पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप 20 करके आ जाओगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है, सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपका मैथ वीक है तो जो अदर सब्जेक्ट है वो आपका अच्छा है, लेकिन मैथ पे आप फोकस ज्यादा इसलिए करें क्योंकि अगर आपको मैथ आ गया तो रीजनिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद है कि मैथ कैसे पढ़ना है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। लास्ट में मैं फिर आपको यही कहूंगा, अगर आपको कोई भी चीजें सीखनी है तो एक ही चीज से आएगी, वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और उम्मीद है कि आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी और आप करेंगे मेहनत। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर मैं आज से बहुत मेहनत करूंगा और सिलेक्शन लेके रहूंगा, ये जिद आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी बच्चों के पास में, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।